36 साल के युवक के पेट में ग्लास पाई गई है। SKMCH में गुरुवार देर शाम पेट दर्द का इलाज कराने पहुंचे मरीज का डॉक्टर ने एक्सरे किया। एक्सरे में उसके प्राइवेट पार्ट में ग्लास फंसे रहने की जानकारी हुई। इसके बाद डॉक्टर के होश उड़ गए। पीड़ित साहेबगंज के रामपुर असली गांव के 35 वर्षीय पवन कुमार शाह है। उसकी हालत चिंताजनक है। डॉक्टर का कहना है कि ग्लास स्टील की है या शीशे की, इसकी पड़ताल की जा रही है। डॉक्टर को दिए जानकारी में उसने आरोप लगाया है कि 15 दिन पूर्व वह अपने ससुराल माधवपुर गया था। वहां पर उसके ससुराल के लोगों ने साला और अन्य उसके साथ मारपीट किया था। मारपीट के दौरान वह बेहोश हो गया था। होश आने के बाद से ही वह प्राइवेट पार्ट में दर्द महसूस कर रहा था। गांव के डॉक्टर से उसने इलाज करवाया। वह इंजेक्शन लगाते थे तो दर्द आराम हो जाता था और फिर बढ़ जाता था। पवन के साथ इलाज के लिए SKMCH में उसकी 70 साल की बूढ़ी माँ पहुंची थी। उनका कहना है कि वह बहुत गरीब है, कैसे बेटा का इलाज कराएगी। हालांकि बुजुर्ग महिला भी कैसे पवन के प्राइवेट पार्ट में गिलास घुसा, इस पर कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें नहीं पता गिलास कैसे अंदर गया। पवन का पेट काफ़ी फूला हुआ है। युवक ने कहा कि वह हैदराबाद में रहता था। वह एक पेट्रोल पंप पर काम करता था। 20 दिन पहले अपने घर लौटा था। करीब 15 दिन पहले पत्नी प्रियंका देवी को मायके से लाने गया, लेकिन ससुराल के लोगों ने मारपीट किया, इसमें वह बेहोश हो गया, जिसके बाद वह वापस आया था। बीते 15 दिनों से उसे दर्द होने लगी। ज़्यादा दर्द होने पर वह मेडिकल पहुंचा था। इसके बाद अब उसे पटना रेफर कर दिया गया है। फैमिली से झगड़ा झुगड़ी हुआ है। अच्छा। 5 साल शादी का हो गया, मैं बुलाने गया तो नहीं आ रहा था। 5 साल में चार महीना हमारे पास रहा। 4 महीने में उसको फोटो मिला पर्स में, तो मैं पूछा से किसका फोटो है, तो हमारा दोस्त का है। हमें दूसरे लड़के का फोटो रखना चाहिए, कहाँ रखेंगे बोल। आपके साथ क्या हुआ है? वो मारा पीटी हुआ है। मारा पीटी होने के बाद में पूरा बहस कर दिया। एक दिन में पूरा बहस था, दूसरे के दिन मालूम चला था पेट में दर्द हो रहा है। गिलास निकला। कौन है? बेटा है? लड़का है। कति बेला था? वो लड़का है तो झगड़ा दोनों को के चल गया घर। नहीं है, बुलाने गया थे टेम्पू लेके, तो इसके मार के बेहोश कर दिया। अब बेहोश करके क्या के गिलास लगा दिया। कहाँ से कैसे मालूम चल रहा था? यहाँ दर्द जब हो जाए तो हम डॉक्टर ही 5 बजे शाम में दिखा दिया, 2 बजे मुजफ्फरपुर में दिखा दिया, एगो तीसरे बेर काल आया तो रेफर कर दिया बिलिंदर बाबू, तो हम यहाँ लेकर आया तो गिलास बहरा पेट में। अब वो नहीं देखा तो स्किल है शीशा है। के किया है? कथी परिवार किया है, ओजम के समाज के है, समुदाय दुगदुगी दास, दुगदुगी दास बहू और शंभुदास बहू। कौन है? पुतो, कहाँ के पुतो के परिवार वाला सर? हाँ, हिमाचलपुर उसके नहीं है, प्रियंका कराया है। हाँ, के हती? हम सास हती। एक माय हती? हाँ, माय हती लड़का की, पवन कुमार के माँ। एक हमारे यहाँ पेशेंट सामने का एडमिट हुआ था साहिबगंज से, 20 दिन पहले उसको फिजिकल रिजल्ट किया गया ससुराल वालों के द्वारा, उसको मारपीट कर बेहोश कर दिया गया, उसके प्राइवेट पार्ट्स में एक ग्लास स्टील का डाल दिया गया। पेशेंट को पता नहीं था, बट शाम में पेन एब्डोमेन करके पेशेंट एडमिट हुआ। उसके बाद हम लोग एक्सरे वगैरह करवाए, उसमें ग्लास डिटेक्ट किया गया। उसके बाद आज हम लोग इसका ऑपरेशन किए, उसके बाद ग्लास को सफलतापूर्वक निकाल दिया गया पेट। क्या नाम है? डॉक्टर राजेश कुमार, सीनियर रेजिडेंट।